आंधीकुई शहर के वार्ड नंबर 20 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग को लेकर एसडीएम बांदीकुई को महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। सीडीपीओ कार्यालय पर किया हंगामा। शहर के वार्ड नंबर 20 में पोषाह नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने मंगलवार पंचायत समिति परिषद स्थित आंगनवाड़ी ऑफिस में हंगामा किया। इस दौरान अधिकारियों के नहीं मिलने से महिलाएं और भड़क गई और धरने पर बैठ गई। महिलाओं ने बताया कि एक साल से वार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार वितरण नहीं कर रही है। कई बार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। उन्होंने बताया कि वार्ड के लोगों के लिए पोषाहार आता है, लेकिन इसे सिर्फ कागजों में ही वितरण होना बताया जाता है। अधिकारियों द्वारा समस्या का समाधान नहीं करने से नाराज महिलाएं मंगलवार दोपहर आंगनवाड़ी ऑफिस पहुंची और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। इस दौरान मौके पर महिलाएं धरने पर बैठ गई। बाद में महिलाएं वहां से उठकर एसडीएम कार्यालय पर पहुंच गई और वहां पर एसडीएम नीरज मीणा को ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग की और शीघ्र ही महिलाओं को पोषाहार दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन भी दिया गया। आंगनवाड़ी का मामला है, जो आंगनवाड़ी वाली हमें पोषाहार नहीं देती, साल भर हो जाती है, हर महीने के वो उसमें आता है तो साल भर हो जाती है, नहीं देती और ऐसे और बोलती है घर बैठे बैठे के पांच सब्जी को बुला के लाओ। अब खुद तो आती नहीं है, इतनी बड़ी है जो पांच सब्जी को बुला के लाए हम पहले, तब जाके हमें पोषाहार देती है और दो साल के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में हमें पोषाहार नहीं देती। हालांकि आंगनबाड़ी में 5 साल तक लागू होता है और ऐसे और बोलती है हम खुद के घर के देते हैं। आज आप कहाँ कहाँ गए हैं, किसी से अधिकारी से मिल रहे हैं? किसी से अधिकारी से मिले हैं? क्या क्या एसडीएम से मिला है कार्यकर्ता से? आपका नाम? नाम रीना कुमारी बैरवा। वार्ड नंबर इसका मामला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेरे वार्ड की महिलाओं को और जो पोषाहार वितरण होता है वो देती नहीं है और इनको साल भर होगी, साल भर से लगातार ये मेरे पास आते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो किसी को परेशान नहीं करता हूँ, मैं तो इसको देना चाहिए पर वो देती नहीं है और झूठ और बोलती है, इन लोगों की फर्जी दस्तखत करती है और गेहूँ जो देती है ना वो भी गहनम से, वो कटोरे से, पता नहीं भगोने से देती है और किसी को तो नौ बार देती है और इनको एक भी नहीं देती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच कराए सरकार और जांच कराने के बाद में इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरे वार्ड से हटवाया जाए और लोगों के झूठे दस्तखत करवाती है और इनको मेरे वार्ड से हटाया जाए और नए मेरे वार्ड में लगाए जाए। आपका नाम? चंद्रमोहन आकोदिया, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बांदीकुई।